रख दिया फिर कले जा रख दिया दिल रख दिया सर रख दिया और कहा हो चाहे तो मेरा जिया ले ले सवरिया चाहे तो मेरा जिया ले ले फिर के देना बताती क्यों नहीं? वो कौन कौन आया है? अच्छा तो यहां तक आ पहुंचा है। डर मत बेटी, मेरे जीते जी कोई तुझे हाथ नहीं लगा सकता। मैं अगर रखाल की खाल ला खींच लूं तो मेरा नाम मीनाबाई नहीं, मैं अब भी देखती हूं। वल्लाह मीनाबाई, ये क्या बात हुई? अजब घात हुई। अभी हमारे नवाब मुल्तान अली जाजी कदर रश्क नेहरू कमर आके बैठे ही थे, दो बोल सुने ही थे कि वो जलवाए रक्स तमाशा नजर से दूर हुआ, इश्क महजूर हुआ, दिल हसरत से भरा है। या इलाही, ये क्या माजरा है? नवाब साहब, बंदी गुस्ताखी की गुनाहगार है मगर मुआफी की तलबगार है। बच्चे की तबीयत एकाएक नासाज हो गई, फिर कभी तशरीफ लाइएगा। उठो अच्छा मियां, दूर से आए थे साकी सुन के मैखाने को हम पर तरसते ही चले, अफसोस पैमाने को। जबान दिखाओ बेटी, जबान दिखाओ, ये जबान दिखाओ। मैं जबान दिखाने के लिए कहता हूं, तुम अंगूठा दिखाती हो, तुम बड़ी शरीर हो। जबान दिखा दे बेटी। वाह शाबाश, जबान अंदर ले लो। ये लो, एक जबान अंदर लेने के लिए, एक दांत साफ करने के लिए, एक रोज सैर को जाने के लिए और एक वक्त पे सोने के लिए। ये टॉपी मेरे भालू के लिए, ये टॉपी मेरे बंदर के लिए, ये टॉपी मेरी माँ के लिए, ये मेरी नानी के लिए। बड़ी जहीन है तुम्हारी भी। अगर तुम इसे कलकत्ते मदर मामेन के कॉन्वेंट में भेज दो। हाँ, वहाँ मदर मामेन का स्कूल है, मैं भी वहीं का पढ़ा हूँ। अगर तुम सुपर्णा को वहां भेज दो तो ये हीरे की तरह चमक जाएगी। मैं तो यूं ही कह रहा था, आपने सच मान लिया। क्या मैं ये नहीं जानता कि सुपर्णा की मां और सुपर्णा की नानी
सुपर्णा के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकते। डॉक्टर साहब, सुपर्णा की नानी किसी ना किसी तरह रह लेगी, मगर ये पगली अपनी बच्ची के बगैर कभी नहीं रह सकती। वो तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, अब मैं चला। कौन? वही कल वाला। कौन है आप? क्या चाहते हैं? बाप रे, कोई औरत इस तरह अपने पति से बात नहीं करती। लो देख लो, अच्छी तरह से मुझे देख लो। मुझे ना पहचान कर तुम्हें क्या कोई खास सहूलियत होगी? इधर बड़े छाछ है तुम्हारे। आप क्या कह रही हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। अगर मुजरे की पेश की देने आए हैं? वो तो कल आया था इसीलिए, मगर आज रुपए कहाँ? जुए में सब हार गया, दिवालिया कर दिया तुम्हारे इस शहर लखनऊ ने। लेकिन वो तो अच्छा ही हुआ। सुनो, कल तुम्हारे गाने की आवाज सुनकर मैं अंदर चलाया और तुम पर नजर पड़ गई। इसे कहते हैं सात फेरों का बंदर। तुम्हारा क्या ख्याल है देवजा? मैं देवयानी नहीं हूँ, मैं किसी देवयानी को नहीं जानती। मैं पन्नाबाई हूँ, चौक की कोठी वाली। अगर आप एक मिनट के अंदर अंदर यहाँ से नहीं गए तो मैं दरबान को बुला लूंगी। तुम दरबान को बुलाओ, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, पति के अधिकार का मुकदमा। खूब जमेगा। क्या चाहिए आपको? क्या पाकर आप मुझे छुटकारा देंगे? अरे इस दुनिया में किसको किससे छुटकारा मिल सकता है? और फिर ये तो है जन्म जन्म के बंधन। मगर खैर, जब पूछती हो तो 1000 रुपया दे दो। आओ बेटी, मेरे पास आओ। आओ मेरे पास आओ। आओ आओ मेरे पास आओ। टॉफी खाओ की? तमाशा देखोगी? तमाशा? अच्छा देखो, ये तो उंगली सीधी है ना, ये काट देता। ये देखो। कितनी प्यारी बच्ची है, मेरे साथ चलोगी? तू ये क्या कर रही है? छोड़ दे उसको। सुनो सुनो, इसे ना ले जाओ, इसे ना ले जाओ। निकल जाओ यहाँ से। जाता हूँ जाता हूँ। जब भगवान ने इस तरह मिला दिया है तो तुम मेरे पास आओ ना आओ, क्या मैं अपनी लड़की को देखे बिना रह? खबरदार, जो लड़की के बारे में एक लफ्ज भी कहा। अपना 1000 रुपया संभालो और निकल जाओ यहाँ से। जाता हूँ जाता हूँ, लेकिन जरा पांव तो हटाओ। क्या फिर मुलाकात होगी? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ पन्ना? अरे बोलते क्यों नहीं? 1000 रुपया ले गया और सुपर्णा को भी देख गया, अब क्या होगा? अरे पन्ना, तू बड़ी भोली है, इस चौक में रहकर भी तुझे अकल ना आई। तूने तो मीना बाई का नाम डुबो दिया। अरे पगली, इस घर में रुपया आता है, इस घर से रुपया बाहर नहीं जा सकता। तू नहीं जानती मामी, वो बड़ा जालिम है। कितना बड़ा जालिम है, जरा मुझे बुला लेती तो मैं भी देख लेती। बस एक आवाज दो तो 1000 आदमी इकट्ठे कर लो। तू घबराती क्यों है पन्ना? अरे मेरे होते हुए तुझे और तेरी बच्ची को कोई हाथ लगाकर तू देखे? Thank you.
नीच होकर भी कहां तक वो नीचे उतर सकता है ये आप नहीं जानते डॉक्टर साहब, मैं जानती हूं। कल सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। मैंने सब जुल्म सहे हैं उसके, मगर मैं ये जुल्म नहीं सह सकती। मैं अपनी बच्ची को किसी तरह उसके हाथ में नहीं दे सकती। डर किस बात का है, हम लोग जो मौजूद हैं। ना ना, आप मदर मामिन को चिट्ठी लिख दीजिए। मदर मामिन? हाँ, उस दिन आपने कहा था ना कलकत्ता में मदर मामिन का स्कूल है। आप चिट्ठी लिख दीजिए, मैं आज ही कलकत्ते चले जाऊंगी। लिखे देता हूँ, आज ही लिखे देता हूँ, लेकिन मदर मामिन के जवाब का इंतजार तो करना पड़ेगा। पता नहीं कॉन्वेंट में सीट है या नहीं, वो नई लड़की लेंगे या नहीं, सब मालूम करना होगा। और फिर? नहीं डॉक्टर साहब, आप चिट्ठी लिख दीजिए, माँ डॉक्टर साहब को समझा दो ना। अब मैं एक मिनट के लिए यहाँ नहीं रहूंगी। नहीं माँ, आपकी चिट्ठी लेकर खुद मदर मामिन के पास जाऊंगी और अपनी ममता की झोली फैलाकर उनसे कहूंगी मेरी बच्ची को आसरा दीजिए। बार बार आई हूं, बार बार खाली हाथ लौटा दी गई, लेकिन आज ऐसे नहीं जाऊंगी। मेरी सुपर्णा को आसरा देना ही पड़ेगा। सॉरी, आपकी लड़की हमारी कॉन्वेंट में नहीं रह सकती। क्यों? क्या मेरी वजह से? क्या आपने ये स्कूल सिर्फ किस्मत वालों के लिए खोल रखा है? तो फिर मेरी जैसे अभागिनों के बच्चे कहां जाएंगे? कौन सा दरवाजा ढूंढे जहां उनको ज्ञान की रोशनी मिल सके? मदर मामिन, मुझे पता है, आखिर आप क्यों ही मेरी बच्ची को लेना चाहती? क्यों, क्यों? मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने आप में नहीं हूं। क्या कहना चाहती थी, क्या कह गई? बस मुझे एक मौका और दीजिए, मेरी विपदा सुन लीजिए। इसके बाद भी अगर आपका यही फैसला होगा तो मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी, चुपचाप अपनी बदनसीबी को समेट कर आपके दरवाजे से चले जाऊंगी। मदर मामिन, हमेशा से मैं पन्नाबाई नहीं थी, मैं देवियानी थी। अपने मां बाप की लाडली और इकलौती, बचपन में मां मर गई, मगर बाप के प्यार ने उसने अपने को भी अपनी मोहब्बत से भर दिया। हम कितने गरीब हैं ये भी कभी जानने नहीं दिया। मैं बहुत खुश थी अपने आप में, पिताजी के प्यार में, मनीष के अगाध प्रेम में। पिताजी को मालूम था, वो आशीर्वाद भी दे चुके थे, मगर ठीक उन्हीं दिनों मनीष को पेरिस के पास करने के लिए विलायत जाना पड़ा। रो मत देवयानी, तुम इस तरह रोगे तो मैं जा नहीं सकूंगा। बस थोड़े ही दिनों की तो बात है, देखते देखते गुजर जाएंगे। थोड़े दिन नहीं मनीष, 3 साल बाद तुम लौटोगे, लेकिन मैं तो कल से बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मैं समझता हूँ देवयानी, लेकिन और कोई उपाय नहीं। बस तुम इतना समझ लो कि मैं हर वक्त तुम्हारे पास हूं, हर वक्त। ऐसा करोगी ना? और एक काम करोगी देवयानी, मेरी माँ की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं रहती, कभी कभी तुम जाके उनसे मिल लिया करना। और अगर भगवान न करें तुम्हें किसी बात की तकलीफ हो तो कोई संकोच न करना, सीधी मेरी माँ के पास चली जाना, समझे? चिट्ठी कब लिखोगे? एक तो मैंने लिख ली है, वो बंबई से डालूंगा, फिर लिखूंगा जहाज पर से, फिर एडन से, फिर मार्शल से, और फिर लंदन पहुंचकर। मुझे भूल तो नहीं जा। कैसी बातें कर रही हो तुम? मनीष ने जिंदगी में सिर्फ देवयानी को चाहा है, और कोई लड़की कभी उसकी जिंदगी में नहीं आएगी, कभी नहीं। मैं तुम्हारे पास रहूं या न रहूं देवयानी, तुम्हारी याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी। देवयानी, एक बार फिर तो कहो, रहे न रहे हम, मैं क्या करेंगे, बन के कली, बन के सबा,
आ गए वफा में। रही न रही था। हमारी ये जुदाई भी थोड़े ही समय के लिए है, इसी उम्मीद पर मैं मनीष को खत लिखती, उसके खत पढ़ती, उसके लौट आने के दिन गिनती। लेकिन इंसान को क्या मालूम कल क्या होने वाला है, इसलिए जिस दिन वो कल आज बनकर मेरे साथ में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। ये क्या बात हुई किस्टो बाबू, कर्जा भी अदा नहीं करोगे और मेरे दोस्त को भी बेइज्जत करके घर से निकाल दोगे? मैंने तुम्हारे भले के लिए ही तजवीज पेश की थी किस्टो बाबू, कर्जे के बोझ से भी बच जाते और अपनी लड़की की शादी से भी छुटकारा पा जाते। राखाल बाबू, मुझे थोड़ा सा समय और दो सोचने के लिए, थोड़ा सा वक्त और दो। अच्छी बात है, मैं तुम्हें 48 घंटे की मोहलत और देता हूँ, इस बीच में फैसला कर लो। रुपये दे तो हो, ये आपने लड़की की शादी मुझसे करते हो। मनीष को चिट्ठी लिखने का भी वक्त नहीं, आखिर मजबूर होकर सब लाज शर्म छोड़कर मनीष की माँ के पास चली गई 10,000 रुपया मांगने के लिए। अभी तो मैं बन के आई हूँ और लखी रुपए मांगने क्यों दे दू 10,000? क्या मनीष से तुम्हारी शादी इसीलिए तय हुई थी कि मैं तुम्हारे बाप का कर्जा चुकाती थी? अजब लूटने का धंधा बना लिया बाप बेटी दोनों ने मिलकर। मुझको तो शुरू ही से यह सिलसिला पसंद ना था, छोटे घर की न हो सकबारी। खबरदार जो आज के बाद कभी इस घर में कदम रखा या कभी तुमने न मनीष को खत लिखा, अब मैं तुम्हारे सारे चरित्र समझ चुकी हूं। तफान करो अपनी सूरत को यहां से। मैंने अपनी किस्मत के आगे सर चुका दिया। मदर मम्मी, अपने गरीब बाप को कर्जे से बचाने के लिए मैं मनीष को भूल गई, खुद को भूल गई। राखाल से शादी हो गई मेरी उस सुहाग रात को। वाह, बहुत सुंदर लग रही हो। सुंदर तो तुम जब भी लगी थी,
जब मैंने तुम्हें पहली बार तुम्हारे घर में देखा था, लेकिन ये रूप बोले इस रूप की सबके क्या कहने, जरा हंसो तो मेरी देवी। नेचर है, रेस होगी, तुम्हारी लक ट्राई करना चाहता हूं। उंगली रख दो इस पर, जिस घोड़े पर उंगली रख दोगी उसी को खेल जाऊंगा, कसम काली माई की। उंगली रखो ना, हाथ बढ़ाओ, देखो जीत करूंगी तो मैं भी जबरदस्ती करूंगा, हाथ बढ़ाओ। गुस्से में और भी सुंदर दिखाई देती हो, इसीलिए तो 10,000 का दाव खेल दिया तुमको और जीत लिया तुमको शादी की रेस में। करीब आओ मेरे करीब आओ, छोड़ दो मुझे। मेरा ठीक ही अंदाजा था तुम्हारे बारे में। और यही सोचकर मैंने तुम्हारे बाप से कहा था, सुहाग रात के बाद ही मैं 10,000 की डिग्री के कागज पर दस्तखत करके तुमको वापस करूंगा। देख रही हो? कहो तो बत्ती बुझा दो, कहो तो ऐसे ही रहने दो। ये है पहली रात की कहानी, उसके बाद जो भी रात आई पहली से ज्यादा काली आई, पहली से ज्यादा भयानक आई। फिर भी एक महीने बाद जब मैं बाप के सामने जा खड़ी हुई तो मेरे मन में कोई दुखता नहीं थी और तकदीर के सिवा किसी को दोष देने को मेरे पास कुछ नहीं था। डिग्री के कागज पर दस्तखत हो गए हैं। क्या एक दिन भी नहीं ठहरोगी बेटी? थोड़ी देर बाद ही आकर ले जाएंगे। बाबू जी मेरे लिए इतनी चिंता ना कीजिए, यही समझ लीजिए कहीं दूर शादी कर दी है। तुम्हारी एक चिट्ठी है, डाक के टिकट बुलाती है, शायद मनीष ने लिखी है। मुझे माफ कर दो बेटी। आपका क्या दोष, आपने तो मना भी किया था, ये तकदीर तो मैंने अपने हाथों से चुनी है। आप वो चिट्ठी फाड़ के फेंक दीजिए। यहां रख दी है, अब जो कुछ करना है तुम ही करो। सपने में देखा, तुम एक दुल्हन की तरह सजी थी, तुम्हारी आंखें मेरी आंखों में डूबी हुई थी और तुम्हारे सांस की महक मेरे होठों से उलझी हुई थी। बस एक और साल देवयानी, मैं लौट आऊंगा, हमारी शादी होगी, हमारा घर होगा, हमारा सुखी जीवन होगा। मैं उसी दिन की उम्मीद में जी रहा हूं, तुम भी मेरा इंतजार करना। तुम्हारा मनीष। रखाल बाबू आए हैं। कब तक तकदीर से लड़ती? फिर एक दिन समझ में आया कि मैं मां होने वाली हूं।
जब ये बच्ची मेरी कोख में आ गई, मैंने इसके लिए सर झुकाकर सब जुल्म बर्दाश्त करने का फैसला कर लिया। लेकिन एक रात को तुम्हारा पति ही पैरा दे रहा। यही रात को महफिल जमती है, गाना बजाना होता है, कितने ही लोग आते हैं गाना सुनने के लिए और खुश होकर चले जाते हैं। उन्हीं की तारीफों के सहारे मीना भाई जिंदा है। लोग इसे बेशर्मी और नफरत की जिंदगी समझते हैं, मगर इसके सहारे जिया भी तो जा सकता है। फिर दौलत भी मिलती है, संगीत का आनंद भी मिलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी कुछ भूल सकता है, कुछ भुलाने की कोशिश कर सकता है। जैसे और जो कुछ भी है, यही मेरी जिंदगी है और मैं यही तुम्हें दे सकती हूं बेटी। देवियानी मर गई, उसी घर में जन्म हुआ मेरी सुपर्णा का। ऐसा नहीं बेटी, ठीक से बोलो। Ah!
इसी तरह सुपर्णा को लेकर जिंदगी के दिन कट जाएंगे, लेकिन फिर मेरी जिंदगी के बीते हुए भयानक दिन मेरे सामने आ गए। उन दिनों के काले तारीख सारे मेरी बच्ची के चेहरे पर छा जाना चाहते हैं। अब आप ही बताइए मदर मोमिन, मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? इस बच्ची को इसके बच्चलन बाप से बचाना चाहती हूं, अपने आप से बचाना चाहती हूं, इसीलिए बार बार आपके पास आती हूं। मुझे निराश ना कीजिए। जब यहां के लोग इसके बारे में जानेंगे तब मैं, मुझ पर विश्वास कीजिए, इस पवित्र जगह पर खड़ी होकर मैं कसम खाती हूं, अपनी बेटी को आपके हवाले करके मैं कभी उसकी खोज खबर ना लूंगी। मैं अपने आप को हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से हटा लूंगी। इसके लिए मैं कोई भी कीमत अदा करने को तैयार हूं। जिस तरह देवयानी मर गई, उसी तरह पन्नाबाई भी मर जाएगी, लेकिन मेरी स्पर्णा सरूचा की जिंदा रहेगी। बस यही मेरी ख्वाहिश। मदर मोमिन, फिक्र न करो बेटी, मैं तुम्हारे बच्चे को कॉन्वेंट में दाखिल करती हूं। मां,
चलती हूँ बेटी, मैं चलती हूँ। वगैरह तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, आप बेफिक्र हैं। हम इस स्कूल में अक्सर यूनिफॉर्म सप्लाई करते रहते हैं, गलती नहीं होगी। पहचान लिया तुमने? अखबारों में तुम्हारा नाम पढ़ती हूँ, बैरिस्टर मनीष राय, बड़े बड़े मुकदमे लड़ते हो। तुम्हारे ससुराल क्या कलकत्ते में? आजकल कलकत्ते में रहती हूँ। और तुम्हारे पति? किस मुकदमे की चिड़ा कर रहे हो? मैं भी कैसा बेवकूफ हूँ, वो मुकदमा तो मैं मुद्दत से हार चुका। मैं ये पूछ रहा था, आपका चेंज बच्ची के कपड़े गाड़ी में रखवा दिए। मैं चलती हूँ, बहुत जल्दी में। सुनो देवयानी, देवयानी, तुम इस तरह चली क्यों जा रही हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है देवयानी। देवयानी तो मर गई मनीष। क्या देख रहे हो मेरी तरफ? देख रहा हूं कि जो कुछ अभी मैंने देखा वो ख्वाब था, सच। क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि एक आदमी जिसका नाम मोनीश राय है, जिसका नाम कलकत्ता हाई कोर्ट की बार में सन्यासी मशहूर है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एक औरत से बात कर रहा है। तो क्या हुआ? होना क्या है, बैरिस्टर मोनीश राय, बाजारी औरत, ये डिपार्टमेंट। क्या फालतू बकवास कर रहे हो? वो एक शरीफ औरत है, मैं उसे बचपन से जानता हूं, उसका नाम है देवयानी। माय डियर सर, शी इज पन्नाबाई। वो पन्नाबाई है, लखनऊ की मशहूर तवायफ। ये किसने कह दिया तुमसे? जो कुछ भी कहता हूं उसका सबूत दे सकता हूं। सबूत? हाँ, आओ मेरे साथ। देवयानी तो मर गई मनीष। देवयानी, अभी अभी मैंने तुम्हें सपने में देखा। तुम एक दुल्हन की तरह सजी थी, तुम्हारी आंखें मेरी आंखों में डूबी हुई थी। हेलो, कौन? शोम, ससुरामपुर के कुमार बहादुर, लखनऊ में। हाँ, मगर मुझे माफ कीजिए, आजकल मैंने मुजरे में जाना छोड़ दिया है। नहीं नहीं, भूली तो नहीं। अच्छा अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगी। नमस्ते, आइए आइए।
साहब की मां। आइए तशरीफ लाइए। ससुरालपुर के कुमार बहादुर, क्या इस पर्दे के पीछे छुपकर मेरा गाना सुनेंगे? क्यों, आप बोलो, और सबूत चाहिए? नहीं, तुमने ठीक कहा था, ये पन्नाबाई है। जिस देवयानी को मैं जानता था वो सचमुच मर चुकी। ये तो कोई बागा औरत है। अरे भाई, ये भाई जी बहुत अच्छा गाती है। गाती होंगी, लेकिन मैं इनका मुजरा नहीं सुनना चाहता। रुपए दे करेंगे, लौटा दो जाओ। रहते थे कभी जीते दिल में, जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के मुझे में, हम आज गुले हैं प्यारों की तरह, आज गुले हैं प्यारों की तरह। रहते थे कभी जीते सके, तपते हुए दिल
कुमार बहादुर से कह दीजिएगा, अगर जिंदगी को जानना चाहते हैं तो पर्दे के पीछे ना रहें, सामने आकर उसका मुकाबला करें। बाबू आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज किसी से नहीं मिलूंगी। लेकिन वो तो जाना ही नहीं चाहते। अपने बीवी और बच्ची के पास नहीं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा। तुम जाओ, हम मियां बीवी कुछ बातचीत करेंगे। जा 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 जाओ। कहाँ है मेरी लाडली? यह नहीं है। यानी कहीं गायब कर दिया उसको, मेरी नजरों से छुपा दिया। ठीक है। तुम्हारा ख्याल है, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम राधा की आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। मैं अपनी बेटी का पता लगा ही लूंगा किसी न किसी तरह। खैर जाने दो, इस वक्त शराब खाने का बिल चुकाना है। दो, कुछ रुपए दो। कितने रुपए लेकर तुम मेरा और मेरी बच्ची का पीछा छोड़ोगे? कितने रुपए? अरे इतने रुपए तो तुम एक साथ दे भी नहीं सकोगी, और दे भी दिए तो मैं रख नहीं सकूंगा। उन्हें शराब औरत और जुए में उड़ा दूंगा। इससे तो यह अच्छा है कि हर महीने तुम 400 रुपये मेरी तरफ फेंक दिया करो, झंझट ही चूक जाएगा। लो, और हर महीने आके दरबार से रुपया ले जाया करो, यहां तक आने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गया। कुछ आज समझाऊ, बाकी फिर समझ लूंगा। और मैं लड़की थी जिसका नाम देवयानी था। नहीं, और जिसके बारे में पूछना चाहो पूछ लो, देवयानी का नाम मत लो। कैसे नाम ले लूं? जिंदगी में अगर मैंने किसी लड़की को जाना तो वो देवयानी थी। किसी और लड़की को जानने की ख्वाहिश तक दिल में पैदा नहीं हुई। विलायत जाने के मौके पर चलते समय उस देवयानी ने मुझसे कुछ कहा था, याद है कुछ? कहा होगा कुछ? लड़कियां ऐसे मौके पर ऐसे ही झूठ बना करती हैं। झूठ? मनीष, क्या जिस दिन मालूम हुआ, कर्जे का बोझा सर पर लेकर पिताजी का हाथ पकड़कर दफ्तर की ठोकरें खानी पड़ी थी, उस दिन तुम्हारे ही बारे में सोचा था और तुम्हारी ही बात याद करके लाज शर्म छोड़कर तुम्हारी मां के पास चली गई थी मदद मांगने के लिए। मां, क्या कहा था मेरी मां ने? अब वो स्वर्ग में है, इसलिए जो कुछ हुआ
उसका जिक्र नहीं करूंगी। फिर भी मैम। नहीं, तुम यही सच समझो कि देवयानी झूठी थी, कलंकी नहीं। नहीं देवयानी, किला से लौटने के बाद जब मैंने तुम्हारी शादी की खबर सुनी, मैंने तुम्हें दोषी नहीं ठहराया। सोचा था जहां कहीं जिस घर में भी रहोगी, तुम्हारे दिल के किसी न किसी कोने में मेरी जगह जरूर रहेगी। इसी यकीन के सहारे मैंने अब तक शादी नहीं की और यूं ही जिंदगी गुजारे जा रहा। लेकिन आज मालूम हुआ तुम्हें घर नहीं मिला, चौराहा मिला। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? सबूत? जिस घर में तुम रहती हो, जिस हाल में तुम रहती हो, आज जिस रूप में लोग तुम्हें देखते हैं, इससे बढ़कर तुम्हें क्या सबूत चाहिए? देवयानी, क्या तवायफ बनने के सिवा तुम्हारे लिए और कोई रास्ता नहीं था? इस वक्त क्या वजह है? रात आज तुम्हें इस भाई जी के घर पर गुजारनी होगी। किस लिए? यही समझ लो कि एक रात के कलम के बदले में तुमने मुझे खरीद लिया है। जब आ ही गए हो तो मेरी सब बातें सुन कर ही जाओ और हमेशा के लिए रुक सक कर दो अपनी जिंदगी से। मेरी बच्ची की तस्वीर यानी सुपर्णा, इस दुनिया ने मेरा सब कुछ। बैठो मनीष। चलो देवयानी। मेरे घर तुम्हारी जिम्मेदारी लेने से तो मैंने कभी इंकार नहीं किया। जिसे तुम देवयानी कहते हो वो तो सिर्फ तुम्हारे मन में जिंदा है, और जिसे आज तुम अपने घर बुला रहे हो वो तो पन्नाबाई है। ऐसा न करो देवयानी। क्या एक घर में दो औरतें रखोगे? ऐसा न करो देवयानी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी, फिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद क्यों करूं? नहीं देवयानी, नहीं। तुमसे जो कुछ भी हो गया हो और तुम जो कुछ भी हो, मेरे लिए तुम नहीं देवयानी हो। छोड़ दो मुझे देवयानी। औरत का दिल बहुत कमजोर होता है, उसे और कमजोर मत बनाओ, सब कुछ लूट जाएगा। सुपर्णा यही जानती है कि उसका बाप नहीं, मां भी नहीं है। अगर हो सके तो मेरी बच्ची की देखभाल करते रहना, इससे देवयानी की आत्मा को शांति मिलेगी। देवयानी पालो ये दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लादिये की। छुपालो ये दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लादिये की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, जैसे मंदिर में।
कोर्ट में रजिस्टर भी हो गई। आज से तुम्हारा सब कुछ सुपर्णा के नाम लिख दिया गया। खुश हो ना? मैं अभी आई। मेरी सुपर्णा की रक्षा करो भगवान, उसके सारे दुख मुझे दे दो। तुमने सब कुछ सुपर्णा का नाम लिख दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सुपर्णा के लिए है। सुपर्णा को किसी बात की कमी ना रहे, आगे चलकर उसे किसी तरह की तकलीफ ना हो, ये तो देखना ही होगा। हाँ। नाराज हो गए? नहीं नहीं, मैं सोच रहा था, मैं जो सुबह शाम कमाने के धुन में लगा रहता हूँ किसके लिए? मेरा सब कुछ भी तो सुपर्णा के लिए है। मनीष, तुम जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ करोगे, सब इसलिए तो कर रहे हो ना कि तुम सुपर्णा से प्यार करते हो। लेकिन तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी चाहत में किसी तरह की खुदगर्जी नहीं है। लेकिन मैं तो खुदगर्ज हूँ। सुपर्णा के लिए जो कुछ मैं कर रही हूं, उससे शायद मैं अपनी मुक्ति भी चाहती हूं, जिंदगी के इस घोर श्राप से मुक्ति। देखती हूं सुपर्णा बड़ी हो गई है, लिख पढ़कर तुम्हारी तरह विद्वान बनी है, बहुत बड़ा नाम है उसका। जहां जाती है लोग उसकी इज्जत करते हैं, इज्जत शोहरत दौलत सब कुछ मेरी बेटी को हासिल है। लेकिन ये सब कुछ पाकर भी तुम्हारी तरह सबकी भलाई के लिए काम करती है, शायद किसी दिन वो तुम्हारी तरह बैरिस्टर बनेगी, बहुत बड़ी बैरिस्टर। हम दवनवा ना जाए बिना झोली।
तीन साल से मुलाकात नहीं हुई। कैसे फैसे कहां थे तीनों तक? अरे क्या बताऊं, अजीब मुसीबत में गिरफ्तार रहा। क्या हुआ? वो मेरा बेटा। क्या हुआ आपका बेटा? खो गया था ना। सच? तीन साल के बाद मिला है। चलो अच्छा हुआ मिल तो गया। अच्छा क्या हुआ, समझो कि मिलकर भी खो गया। वो कैसे? वो खिदिरपुर बैंक रबरी केस तो तुम्हें याद ही होगा। अरे वो तीन साल पहले एक आदमी पिस्तौल दिखाकर 2 लाख रुपए लेकर भाग गया था। हाँ हाँ वही मेरा बेटा। ये क्या कर रहे हैं? हाँ बाहर बैठा है, अपना पाप मेरे सामने तो कबूलता नहीं लेकिन माँ के सामने कबूल चुका है। तुम उससे बात करो, तुम्हें मदद कर सकते हो इस वक्त। कांति बाबू क्या कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ ये तो देखना पड़ेगा। इतने देखो भाई, मैं तो उसे तुम्हारे शरण में लाया हूं। अच्छी बात है, ले आइए उसे अंदर। अच्छा हेलो, देखो मेरे सामने तो तुम कुछ कबूल करोगे नहीं लेकिन अंदर जाकर सब कुछ सच सच कह दो मनीष बाबू से, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जाओ अंदर जाओ, मैं भी आता हूं। जाओ दिस इज योर लास्ट चांस माई बॉय। जी हाँ जी हाँ, मैंने नोट कर लिया है। मेरे कमेंट सर। ऑलराइट बाय बाय। तो तुम हो? जी देखने में तो बड़े शरीफ मालूम होते हो लेकिन पहले ये बताओ तुम मेरी मदद चाहते हो या नहीं? जी हाँ मदद के लिए तो आया। बैठो तो फिर वादा करो कि सच कहोगे। जी हाँ सच कहूंगा। मुझसे कोई बात छुपाओगे नहीं? जी नहीं। जो मैं कहूंगा वही करोगे? जी हाँ वही करूंगा। अगर मैं कहूं तो अपने आप को पुलिस का हवाला भी कर दोगे? जी पुलिस, पुलिस। अगर मैं यही चाहूं? अगर आप ठीक समझते हैं तो कर दूंगा। गुड। अब ये बताओ उस डाके में तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल थे? डाका? खिदिरपुर बैंक रॉबरी मुझे सब कुछ मालूम हो गया, तुम्हारे पिताजी ने अभी अभी मुझे सब कुछ बता दिया। मिस रॉय आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कैसी गलतफहमी? आप ये खत पढ़ लीजिए, आपको मेरे बारे में सब पता चल जाएगा। श्री चरणों में प्रणाम का सुपर्णा, काकू चिट्ठी इंद्रनील के हाथ भेज रही हूं। मुझसे एक वर्ष पहले यहां आया था, बैरिस्टर में बहुत अच्छी पोजीशन आई इसकी, मुझे पढ़ाने के लिए एक वर्ष रुका रहा, तुम्हारे पास भेज रही हूं, जूनियर बना लेना। यानी कांतिलाल तुम्हारा बाप नहीं? जी नहीं, मेरे पिताजी को मरे हुए तो 20 साल हो गए। अरे क्या नाम है तुम्हारा? अभी खत नहीं पढ़ा। इंद्रनील। हाँ इंद्रनील। वाकई गलत फहमी हो गई, पर मैंने तुमसे कहा था तुम शरीफ नजर आते हो, जिसे डाकू समझा वो बैरिस्टर नेता। आपने कुछ कहने का मौका नहीं दिया। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी हैप्पी टू मीट यू। थैंक यू सर। क्या क्या नाम? इंद्रला, इंद्रनील। तुम तो हो ही वाले, जो कोई तुम्हारे पास आता है उसे तुम मुजरिम समझ बैठे हो। हर वक्त एक ही धुन सवा रहती है तुम पर, जाने उस बेचारे ने क्या समझा होगा। उसने समझा? कितनी बार पढ़ोगी इस चिट्ठी को? इसे लेकर 108 हुई। 108? तीन साल में तुम्हें सुपर्णा की 108 चिट्ठियां मिली। ये भी दिन लिखी तुमने? माला के मनकू की तरह। कैसी अनोखी पूजा है तुम्हारी। अब तो इसी में दिल लगता है। जब से सीने का दर्द बढ़ गया है गाना ही बंद कर दिया है, डॉक्टर सेन ने मना कर दिया है। देवयानी
इस बारे में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम डॉक्टर सेन की दवा बराबर खा नहीं रही हो। जिरा कर रहे हो शायद? हाँ सर, मुझे जिरा कर रहा हूँ। हाँ या ना में जवाब दो। कभी कभी खाती तो हूँ। कभी कभी इसका मतलब तुम बराबर नहीं खा रही हो, वक्त पर भी नहीं खा रही हो। आया आया चिल्लाते क्यों हो? अच्छा अच्छा, अब वक्त से खाऊंगी। मनीष, लड़का क्या देखने में बहुत सुंदर है। क्वाइट स्मार्ट एंड हैंडसम, नूबुतला के चौधरी खानदान से है। मैंने उसे अपना जूनियर बना लिया, कल से काम करेगा। सुपर्णा की चिट्ठी अच्छी तरह पढ़ी। पूरा एक साल उसे पढ़ाने के लिए विलायत में बैठा रहा। बैठा क्यों नहीं रहता? कहता सुपर्णा ऐसी लाइक स्टूडेंट। तुम हंस क्यों रही हो? ऐसे ही भरोसा करने की हिम्मत नहीं होती। तो किस बात का? अच्छी बात है, मैं चलता हूँ, तुम बैठी बैठी सपने देखा करो। देवयानी माँ ने सुपर्णा को लिख दिया है कि रिजल्ट निकलते ही फौरन चले, एक दिन की भी देर न करे। अभी सोन में अकेले जीने लगता है। मेरा मतलब था कि इतनी बड़ी गाड़ी, बाप रे, कोई बहुत बड़ा आदमी मालूम होता है। अपने बैरिस्टर साहब ही तो इस गाड़ी के मालिक हैं। हाँ अच्छा, नमस्ते बैरिस्टर साहब। नमस्ते। एक मुकदमे के बारे में आपसे सलाह लेनी थी, रेस्टिट्यूशन और कौन जी कर जाए। तो यहाँ क्यों, घर पर आइए जी। आपके मकान पर तो आपसे मुलाकात होना ही चाहती, इसलिए यही आपसे अपॉइंटमेंट करने चलाया। मेरा नाम राखाल है। मैं जानता हूँ, और मैं वो आप क्या हैं वो भी जानता हूँ। आप एक आवारा तबीयत इंसान है, आपको सलाह देकर मैं अपने पेशे की तौहीन नहीं करना चाहता। खबर खबर कर दो जरान जी, कह दो वही पुरानी आफत फिर आई है। नहीं नहीं, तुम जरा जजमेंट की कॉपी पढ़ के एक समरी तैयार कर रखो। लेकिन सर, अपील की मैं तो खत्म होने को, तो एक दूसरी डेट मांगनी पड़ेगी। मिस्टर जैन, आपकी डेट कब है? कल। कल तो आप आपको दूसरी डेट ले लीजिए, मैं कल अटेंड नहीं कर सकूंगा। लेकिन मिस्टर राम, नहीं, मैं दो चार दिन कोर्ट जाऊंगा ही नहीं। और रामचरण, अरे ड्राइवर को बोला गाड़ी निकाल दे। मिस्टर शर्मा, आप दूसरी डेट ले लीजिए, मैं जा रहा हूं। इंद्रनील, कल सुबह आ रही है, मैं जरा चलता हूं। मिस्टर इंद्रनील, आप तो कम से कम कोर्ट में आ रहे हैं ना? जी मैं कल तो मैं ऐसी कोर्ट में जा रहा हूं जिसकी डेट टल नहीं सकती। सॉरी। यानी जानती हूँ, अभी अभी केबलग्राम मिला है, कल भी आ रही है। कल आ रही है? कल ही। हाँ, क्या ख्याल है तुम्हारा, एयरपोर्ट पर चलोगी कल 9:45 पर सुबह? चलूंगी, हो जाए मुलाकात, तुम क्या कहते हो? हाँ तो चलो मैं। नहीं मनीष, इतने दिनों के बाद सिर्फ अपने मन की भूख मिटाने के लिए सुपर्णा की जिंदगी बर्बाद कर दो। देवयानी, मैं सोच रहा था सुपर्णा बड़ी हो गई है, उसे जिंदगी का मुकाबला करने दो, सब कुछ जानने दो उसे। फिर भी इधर मेरे हार्ट की हालत भी खराब है। डॉक्टर सेन कहते हैं अचानक किसी खुशी या गम से कोई बुरी बात भी हो सकती है। मनीष, तुम ही जाओ, तुम्हारे जाने का मतलब ही है मेरा जाना। एक्सक्यूज मी जी, लंदन से आने वाला ट्रेन कितने बजे लैंड कर रहा है? जी 9:45। 9:45 जी? 9:40 बजे शायद। मेरी घड़ी स्लो है, तुम्हारी घड़ी में क्या बजा? 9:40। तो तुम्हारी घड़ी भी स्लो है, एरोड्रोम की घड़ी उसमें भी 9:40, यानी ये घड़ी भी स्लो। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, शायद हमें जल्दी पड़ी है। तुम जरा फिर से अराइवल टाइम पूछ के आओ, आजकल ट्रेन जल्दी लैंड कर जाए।
सॉरी, मैं पूछ रहा था प्लेन की। अजी 10 बार आपने पूछा और 10 बार इन्होंने बताया, अभी और भी 10, 20, 30 मरतबा जितनी बार आप पूछेंगे ये बताएंगे 9:45। प्लेन डाइवर्ट तो नहीं होगी? नहीं जी, आंधी नहीं, बारिश नहीं, तूफान नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, प्लेन ठीक टाइम पर लैंड कर रहा है। 9:45। ये प्लेन इज लैंड लैंडेड मिस्टर रॉय, सॉरी प्लेन लैंडेड, आई बेग योर पार्डन। देवयानी ने तुम्हारी तरह जब सुपर्णा प्लेन से उतर रही थी तो पल भर के लिए ऐसा मालूम हुआ जैसे कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी। बोलो मनीष, बताओ मेरी सुपर्णा कैसी लगती है वो? क्या मनीष सचमुच बड़ी हो गई है? कैसी है उसकी आंखें, बातें कैसे करती है? बोलो बोलो बोलो। ओ सुपर्णा, काकू कहाँ है? वो टेलीफोन करने गए। अच्छा। चलो ना। पिछले साल मेरे सिटिंग रूम में तुम जब आग के करीब मुंह फुलाकर बैठे थे और सुपर्णा मैं तुम्हें प्यार करता हूं कहते कहते जब 15 दिन लग गए थे, जब भी मैंने सोचा था कि ऐसा ही एक पाइप स्प्लेंडेड मेरे लिए आप ही के लिए लाई है। देखा, विलायत जाने के बावजूद सुपर्णा बोली नहीं कि मुझे पाइप इकट्ठा करने का शौक है। घर में 9 है और ये 2, 9 तो 11। थैंक यू माय डियर, थैंक यू। अरे ये क्या करती होगा, चलो। सुबह 6 बजे कप चाय, एक बिस्किट, 7 बजे संतरे का रस, फिर 6 से 7 तक हाथ मुंह धोना, शेव करना, पेपर पे करना, 7:10 पर मसाज, 8:15 पर नाश्ता, साथ में 1 चम्मच कटली भर ऑयल, 8:50 पर। किस होटल की खाद्य तालिका पढ़ रही हो? राम भरत हिंदू होटल? तुम्हारी सेहत की रक्षा के लिए टाइम टेबल बना रही हूं। तो मेरी सेहत को क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर बैनर्जी कहते हैं 50 के बाद काम कार्य से करना चाहिए। तो तुमसे किसने कह दिया मेरी उम्र 50 है? मेरी उम्र होगी कोई 49 क्यों मुझसे मिले? एक बज गया। एक्सक्यूज मी काकू, लंच का टाइम हो गया। बहुत से केस चल रहे हैं, चलो प्लीज माफ कीजिएगा। क्या कर रही हो सुपर्णा? नहीं। तकलीफ हो रही है? बिल्कुल नहीं। नाकारा,
बिल्कुल ना कर। जिंदगी भर इस गुट पर नथिंग आदमी को लेकर मुझे चलाना पड़ेगा। काकू 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 कहाँ है जरा बताओ। छोटे साहब आपकी चाय। अरे लो रामचरण, बड़ी जोर से चाय की चपास लग गई। 5:20 पर विटामिन सी की गोली। अरे रामचरण, ये बड़े साहब की चाय है। अरे बाप रे, तब तो भूल से इधर की चाय उधर, उधर की चाय इधर। तो क्या हो गया, ये स्लिप उधर दे दो। नहीं जी, उधर भी एक स्लिप थी। अरे बाप रे, मर गए। कैसे बुद्धू बैरिस्टर हो, साथ ही पिक्चर जाना है। 520 विटामिन सी की गोली पिक्चर। बुढ़े को दे आओ चकमा, उससे बुढ़े को दे आओ चकमा, उससे क्या घबराना है। अच्छा बुढ़े को दे आओ चकमा, उससे क्या घबराना है। तो सर आपकी चाय। चाय आ गए भाई। जी नहीं, आपकी चाहिए है। फर्क क्या है, तुमने मेरी चाय पी ली, मैंने तुम्हारी चाय पी ली। आप जो हल्की और कम मीठी चाय पीते हैं ना। अच्छी बात है, ले जाओ भाई, तुम्हारी चाय मीठी और गहरी होती है। तो सुना जी, कहीं बात तो नहीं जा रहा, मुझे तुमसे काम है। जी नहीं, कहीं नहीं जा रहा। सर आज शाम को तो मैं बाहर जा रहा हूँ। भाई अभी तुमने कहा कि नहीं, याद आया, बहुत जरूरी काम है आज तो। अच्छी बात है, जाओ एक काम करो, क्या करो, वीकली रिपोर्ट 1939 ले आओ। मैं जी अभी लाया। 5:20 पर विटामिन सी। हेलो। बंदी करती हूँ, संभालो। क्यों, क्या हुआ? तफलो। अच्छा अच्छा अच्छा, रामचरण मेरी चाय अंदर ले, अंदर की चाय यहाँ ले। मुझे क्या मालूम? तुम्हें नहीं मालूम तो मुझे भी नहीं मालूम। सुपर्णा प्लीज देखो, कुछ न करो ना, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। क्या हुआ, कपने स्लिप पढ़ ली? पता नहीं सुपर्णा। God bless you. काकू, मुंह खोलो। 5:20 पर विटामिन सी की गोली है। बेटा तेरा फटान से मालूम हो रही है, तेरा सर सारा दोगे। थैंक यू। ठीक है, ये ना तुम जा सकते हो, कल सुबह जल्दी आ जाना। क्या हो गया? नहीं, 6 बज रहा, तुम्हें जरूरी काम था। जा रहा हूँ जी। गुड नाइट। वरना सोमवार को मैंने तुम्हारे एनरोलमेंट का बंदोबस्त कर दिया है, खुश है ना? जी। तो फिर अब काम काज में मन लगाना पड़ेगा, पिक्चर विक्चर जाना जरा कम करना, मेरा मतलब है बैरिस्टरों के उसूल पर चलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, मुकदमे के तय तक पहुंचना पड़ेगा। सुपर्णा, बहुत से क्लाइंट ऐसे आते हैं कि बैरिस्टरों को चकमा दे जाते हैं। चकमा समझती हो ना? हाँ हाँ काकू। लेकिन मजा तो तब आता है जब एक बैरिस्टर दूसरे बैरिस्टर को बुद्धू बनाने के लिए चकमा दे जाता है। सारी बदलने की बात जा रही थी। काकू, मेरी वो सहेली है ना कि लतीफा। लतीफा? हाँ हाँ, उसी के साथ सिनेमा जा रही थी। हाँ तो सिनेमा जा तो जा, 6 बज रहे हैं। नहीं, जाने दीजिए आप, फिर किसी दिन चली जाऊंगी, आप कहते जाइए ना, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे तेरी मर्जी। लेकिन ये अपॉइंटमेंट का मामला जरा बेड़ा होता है उस बेचारी, क्या नाम उसका,
लतीफा। हाँ उसे बुरा लग जाए मेरा ख्याल है, तू जा, मैं तो टेलीफोन किए देता हूँ कि देर से पहुँचेगी। नहीं काका, मेरा मतलब है आप क्यों तकलीफ करें, मैं अभी जाने से पहले उसे अपने कमरे से टेलीफोन करती जाऊँ। हाँ तो जा खड़ी क्यों? अच्छा आप कह रहे हैं तो मैं जाते हूँ। हाँ मैं कह रहा हूँ जा। रहते हैं लेकिन जानती हो अब उसने शेरो शायरी भी शुरू कर दी है। अच्छा। हाँ वो मुझे भी नहीं मालूम था, इंद्रनील की एक चिट्ठी जो उसने लिखी है मेरे हाथ आ गई। क्या लिखा? उसमें लिखा है कैसे बुद्धू बैरिस्टर हो साथ ही पिक्चर जाना है, सुनो सुनो बुड्ढे को तो चकमा दे आओ उससे क्या घबराना। मुझे आजकल बुड्ढा समझ के चकमा देना भी शुरू कर दिया उसने। सुनो कल तुम्हारा प्लेन कब है? मैं सुबह के प्लेन से दार्जिलिंग नहीं जा रहा हूँ, वहाँ के वकील को मैंने टेलीग्राम भेज दिया है कि अदालत को दरखास्त कर दे मेरा केस जरा देर से ले, इसलिए दोपहर के प्लेन से जाऊंगा। सोच रहा हूँ सुपर्णा को भी साथ लेते चलूं। सुपर्णा को? हाँ वो इंद्रनील तो बतौर जूनियर के मेरे साथ जा ही रहा है, अगर सुपर्णा भी साथ चली चलेगी तो क्या ख्याल है तुम्हारा? जो तुम्हारा वही। तो फिर कल साथ ले ही जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो, बुड्ढा जरूर हो गया हूं लेकिन ये मुमकिन नहीं कि कोई मेरी आंखों में धूल झोंक सके। चाहे वो कलकत्ता हो या दार्जिलिंग। बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काले घटारों बना ले, मुझको ये काले घटारों की दिया, ये तो खुद है मेरी जुल्फों के तले। इन बहारों में अकेले ना फिरो, ये नजारे शाम के सारे आशिक हैं तुम्हारे नाम के, ये फिजाए ये नजारे शाम के सारे आशिक हैं तुम्हारे नाम के, फूल कहती है हो हो हो, फूल कहती है तुम्हें बादे सबा, तुम्हें बादे सबा, देखना बादे सबा रोक ना ले, इन बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काले घटा रोक ना ले, मुझको ये काले Thank you.
राह में अकेले ना फिरो, राह में काले गटारों के नाले, मुझको ये काले गटारों के बात ये है क्यों किसी का नाम लूं, हो न ऐसा मैं दामन थाम लूं, बात ये है क्यों किसी का नाम लूं, हो न ऐसा मैं दामन थाम लूं, जा रही हो तुम तो हो, जा रही हो तुम बड़े अंदाज से मेरी चाहत की सदा रोक न ले, इन बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काले घटा रोक न ले। मिस्टर रॉय, यस, डू यू नीड मोर विटनेसेस? नॉट नेसेसरी मिस्टर भट्टाचार्य, मुझे यकीन है इस मुकदमे का फैसला हमारे हक में होगा। अरे इंद्रनील, जी तुम जरा साथ वाले कमरे में चले जाओ और सुनीति बाबू से केस समझ लो। जी मैं आऊं जो क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तो मिस्टर भट्टाचार्य जजमेंट मिलते हैं मुझे खबर कर दीजिएगा। श्योर। नमस्ते। नमस्ते। हम दोनों में सुराय के जूनियर हैं, वो जरा बिजी हैं, आपका केस हम देखेंगे। उन्होंने कहा है हम आपका केस समझ लें। केस तो मैंने सब इसमें लिख दिया है। फिर भी आप मेन पॉइंट तो बता दीजिए। अच्छा तब सुनिए, शादी के पहले साल मैं चिकता चिल्लाता रहा हूँ और वो सुनती रही है, अब दूसरे साल वो चिक्की चिल्लाई है मैंने सुना है, अब हम दोनों चिल्लाते हैं मोहल्ले वाले सुनते हैं, बस समझ लीजिए रात दिन हमसे झगड़ा कर। जी बड़ी बुरी आदत है औरतों में झगड़ा करने की। जी हाँ, पहले शुरू हुआ था मेंटल टॉर्चर, उसके बाद होने लगा फिजिकल टॉर्चर, नतीजा देख लीजिए, सब नोट डाले हैं ये वेटिंग लिस्ट में। आपकी उम्र क्या है? 65 बरस। आपकी वाइफ के यानी बीबी की है 16 बरस। 16 साल की लड़की 65 साल के मर्द से झगड़ा नहीं करेगी तो क्या प्यार करेगी? आप बिल्कुल सच कहते हैं, औरतें बड़ी फिजूल खर्च होती। तुमको किस औरत का तजुर्बा है? मगर मैं घर में देखता हूँ, मर्द बेचारा घिस घिस कर कमाई करता है और औरत सिर्फ 2 दिन की शॉपिंग में सारा लुटा देती है। सब लुटा देती है? जी हाँ। तो फिर महीने भर का खर्च कैसे चलाती है? उधार लेकर। मगर मेरी बनिए का उधार, कपड़े का उधार, धोबी का उधार, पहले तो पूरी तनख्वाह देता है और फिर महीने के बाद उसका उधार चुकाता है। ये झूठ है। ये सच है? नहीं ये झूठ है। मैं कहता हूँ सुपर्णा, ये सच है। मेरी भी तो सुनिए। ओह सॉरी। मैं हर महीने अपने बीवी को 300 रुपए घर के खर्च के लिए देता हूँ। 300 में मकान का किराया भी शामिल है? जी हाँ, मकान का किराया 100 रुपया है और फिर भी 200 बचते हैं। और वो 200 में एक महीना नहीं चला सकती? जी नहीं। बड़ी फिजूल खर्च है। आपके कितने बच्चे हैं? पहली बीवी से 5, इससे 1 भी नहीं। तो 5 बच्चों, 1 पति, 1 पत्नी, 7 आदमियों के लिए क्या 200 रुपया ज्यादा है? जाइए, इन ग्राउंड्स पर आपको डिवोर्स नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? जरूर मिल सकता है। नहीं मिल सकता। कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला। कलकत्ता हाई कोर्ट, ये देखो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला। देखो पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट का फैसला शायद तुमने देखा नहीं।
तुम मुझे कितने हाई कोर्ट का फैसला दिखाओगी, मैं तुम्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाता हूँ। ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। मैं कहती हूँ ये सही है, ये गलत है, ये सही है। क्या होगा तुम्हारे दिमाग में? ये सही है, ये गलत 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 है। तुमने ठीक ही समझा था उसकी चिट्ठी से, लेकिन मैं कुछ नहीं समझ सका। मैं माँ हूं ना, सुपर्णा के दिल की बात मैं ही समझ सकती हूँ। हाँ मनीष, एक बार मुझे दिखा दो तो उस लड़के को। सच? मैं यही चाहता था देवयानी। डरने की क्या बात है, मैं सब संभालूंगा, बैठो। जानती हो देवयानी, सोमवार को सुपर्णा की एनरोलमेंट है, उस दिन वो पहली बार काम पर जाएगी। मनीष, उस दिन अगर मैं पूजा दे आऊं, आशीर्वाद का फूल उसके माथे से छूटोगी? जरूर। हाँ, उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूं, अपने खास दोस्तों को बुला रहा हूं। देवयानी तुम भी आओगी ना? यानी को लालच भी होता है, मगर मैं ना। यानी अब मैं तुम्हें इस तरह छुपे छुपे नहीं रहने दूंगा। तुम्हें आना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं आए तो मुकदमा खारिज हो जाएगा, इसलिए कर रहा हूं आप कागजात मुझे दीजिए। और इंद्रनील जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ मंडल, तुमने दत्तन घोष सॉलिसिटर्स का ब्रीफ देख लिया? वो तो कल देखना था ना। वो तो ठीक है, लेकिन आज का काम कल पर उठा रखने से हमेशा पड़ा रह जाता है। मैं अभी देखा। ठहरो, मैं कहना चाहता था उसमें एक दिलचस्प नुक्ता है, उस पर भी गौर कर लेते तो अच्छा था। मैं देख लेता हूँ। ठहरो, कहीं जा रहे हो बाहर? जी नहीं, वो जी सुपर्णा जरा घुमा लाने के लिए कह रही थी। अच्छा अच्छा, जरूर जाओ जी। बहुत अच्छा। कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। लगता है मेरे सुपर्ण के नसीब चमक उठेंगे। आऊंगी मनीष, तुम्हारी पार्टी में जरूर आऊंगी। दूर से उन दोनों को देखकर आशीर्वाद ही दे जाऊंगी। अगर आशीर्वाद देने का हक है मुझे। क्यों नहीं दे भाई? माँ, माँ क्या है? देखो कौन आया है। सुपर्णा, झुक झुक जियो बेटी।
राज रानी बनो, जब जी चाहे मेरे पास चली आया करो। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी आई, बैठो। उदास हो गई, बैठो ना। सोचती हूँ माई बड़ी अच्छी होती है, होती है ना? बिल्कुल नहीं, बहुत बुरी होती है। कभी कान पकड़कर उठा देती है, कभी बिठा देती है, कभी कहती है ये करो ये ना करो, ये खाओ वो खाओ, बिल्कुल हिटलर की तरह हुकुम चलाती। फिर भी माँ तो माँ ही होती है। पिताजी को मैंने तो कभी देखा नहीं, लेकिन माँ के बारे में कुछ कुछ याद आता है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ मर गई। माँ, मेरी सुपर्णा का मंगल करो। नर्वस क्यों हो रही हो? वाह, तुम्हारे कहने से मैं नर्वस हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मेरे कहने से क्यों होगी? मैं तो ये सोच रही थी कि काकू ने नाश्ता नहीं किया, सुबह सुबह ही मैं कहीं चले गए हैं। ओ काकू, ये कैसा है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर चला गया था, इस उम्र में पूजा पाठ अच्छा लगता है। हेलो, इंद्रनील, तुम सुपर्णा को लेकर हाईकोर्ट पहुंच जाओ, मैं कपड़े बदल जाता हूँ, इसे वहां रख दो। सुपर्णा, आज मैं तो लाऊंगा, देखो। अरे बस 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 बस, I, Suparna Roy, do sincerely promise and solemnly the following, that I will be faithful and bear true allegiance to India and to the Constitution of India as by law established. I wish you best of luck. Thank you, madam. Thank you. पचास तो तुम ले चुके हो। झूठी गवाही देने के लिए 50 बहुत कम है। अगर पकड़ा गया तो देवो। चो, 50 तो वहां लिया, मैं यही रोता। दस्तखत करते वक्त मुंह लाल हो गया था, पसीना आने लगा था, तार बजने लगे थे, नर्वस हो गई थी। जिंदगी में इतना बड़ा दिन क्या रोज रोज होता है, नर्वस क्यों ना होते। अब फिर भी नर्वस होने की। हेलो सुपर्णा। हेलो मिस्टर राय, हो गया एनरोलमेंट? अरे फाइनल जरा सुनो तो। ओ हेलो राज, यार मुझे देर हो रही है, वो जस्टिस दास के यहाँ कहूंगा कैसे है वो। हेलो सुपर्णा, एनरोलमेंट हो गया? अभी हुआ, ब्लेसिंग्स दो। अरे आओ सेट ले, कांग्रेचुलेशंस। और इन्हें जरा देख के रखो, है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन्हें सख्त लड़ाई होगी। हाँ बेटी, हमसे जरा समझ कर, मुझे समझ कर, क्योंकि तुम्हारे चाचा साहब को मैं कई बार पहचान चुका। ये भी कभी कभी मुझे पहचान ले। पार्टी में आ रहे हो ना? अच्छा, तो इसी बारे में है पार्टी? मैं जरूर आऊंगा, इस बार तो खास तौर पर आऊंगा, वैसे तो आना जाना लगा ही रहता है। थैंक यू। और जज के सामने तुम घबराए थे? नहीं बिल्कुल नहीं। आदाब मिस्टर, मेरी भतीजी से मिलो, सुपर्णा राज, नई बारिश। अच्छा गुड, वेरी गुड। और ये है
महादेव प्रसाद उर्फ़ दीवाने दीवाने आशय कार्य भी करते हैं भाई। ठीक वक्त पर पार्टी पर आ जाना, मैंने तुम्हारे बिना पार्टी जमने वाली। अरे भाई जिस पार्टी में ऐसी जवानी और खूबसूरती मौजूद हो उस पार्टी में तो बिन बुलाए पहुंच जाओ। मिट्टी ने मुझे आसमान तक पहुंचा दिया, क्या मैं इसे माथे से भी न लगाऊं? मुझे ऐसे गिरी हुई है, सताई हुई है, दुखी औरत को सहारा देने के लिए तुमने क्या नहीं किया? ऐसा मत कहो देवयानी, ऐसा मत कहो। मनीष, मेरे लिए तुमने शादी नहीं की, घर नहीं, बच्चे नहीं,
संसार का कोई सुख नहीं दिखा तुमने। मुझे खुशी देने के लिए तुमने सुपर्णा को गले से लगा लिया, उसे लिखना पढ़ना सिखाया, समाज में मान इज्जत दिलवाई, जिंदगी की हर खुशी उसे दी। लेकिन उसके बदले में तुम्हें क्या मिला? मुझे कुछ नहीं चाहिए देवयानी, कुछ भी नहीं। अगर मैंने कुछ दिया है तो उसके बदले में जी भर के पा लिया है। तुम्हारा स्वामी। इतनी रात गए मेरे कमरे में क्यों आए? किसने अंदर आने दिया तुमको? क्या चाहते हो? ठहरो ठहरो, तुमने तो सवालों की भरमार कर दी। एक एक करके सबका जवाब देता। एक, अपनी बीवी के कमरे में उसका पति ही तो रात को आता है। दो, दरबान के हाथ में 10 का नोट थमा दिया था, वो चुपचाप यहाँ तक पहुँच गया। अब बाकी रहा नंबर 3, क्यों आया? इसलिए कि बार बार 10-5 रुपयों के लिए तुम्हारे पास आना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए एक ही बार दिल कड़ा करके 50,000 रुपए दे दो। 50,000? हाँ, सिर्फ 50,000। फिर जिंदगी भर मेरी सूरत न देखोगी। अपनी बीवी समझ कर ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, खुद ख्याल करो। मुझसे छुटकारा पाने के लिए कितनी कम रकम अदा करनी पड़ेगी? महज 50,000। यही बात कहने के लिए इतनी रात गए? मुझे परेशान करने आए हो? रुपया तो मैं अब तुम्हें एक न दूंगी, मेरे पास है ही नहीं। तुम्हारे पास ना सही, बैरिस्टर साहब के पास तो होंगे। उनका नाम मत लो। तो तुम दे दो वरना मुझे चिल्ला कर लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे। मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी, एक पैसा नहीं दूंगी। रुपये तो तुम्हें देने ही होंगे, इसलिए खूब अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब दो, रुपये दोगी कि नहीं? नहीं, हरगिज नहीं। नहीं दोगी? जाओ, निकल जाओ यहां से। चाहता तो नहीं था, पर अब सुपर्णा के पास जाना ही पड़ेगा। सुपर्णा? हाँ हाँ, सुपर्णा। हैरत से क्या देख रही हो? क्या इस नाम से वाकिफ नहीं हो? मेरी बरिस्टर लड़की को नहीं जानती? वो बेचारी अपने बुढ़े बाप से मिलकर किस कदर खुश होगी। सुपर्णा के बारे में तुम्हें कैसे मालूम? हो गया, बरसों तक छुपा रखी थी ये बात तुमने, बरसों तक चकमा दिया तुमने मुझे। लेकिन मैं भी गीत की नजर रखता हूँ, ढूंढ ही लिया आखिर मैंने उसे, शक्ल कैसे छुपी रहती उसकी। उसी के पास जाता हूँ, जाकर कहता हूँ कि इस माँ और कैसी माँ की बेटी आई। नहीं नहीं, सुपर्णा के पास तुम नहीं जाओगे, मेरी बच्ची की जिंदगी मत खराब करो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। हट जाओ सामने से, तुम जैसी बदचलन औरतों को काबू में लाने के सब ढंग मुझे आते हैं। रुपए दिए बगैर तुम्हारा छुटकारा कैसे होगा? सुनो भाई जी, सुपर्णा के पास ही नहीं, मैं और भी बहुत खुद जानता हूँ। अगर सुपर्णा आना बंद करे तो मैं इंद्रनीत के पास भी जा सकता हूँ। हाँ हाँ, इंद्रनीत तुम्हारा होने वाला दामाद। किस माँ की बेटी से वह शादी कर रहा है, ये बात उसे भी तो जाननी चाहिए। कहूंगा, भाई जी की लड़की का घर ला रहे हो तो पायल और विश्वास का ऑर्डर अभी से दे दो। इंद्रनील की माँ से भी कहूंगा, पन्नाबाई की लड़की को घर में ला कर खानदान का नाम रोशन कर रहा है उसका बेटा।
मरने से पहले बुढ़िया ये बात क्यों नहीं जाने अभी जाने एक बात मानूंगी देवयानी अपना बयान वापस ले लो। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैंने एक नहीं दो नहीं पूरी छह गोलियां चलाई है। बयान वापस नहीं ले सकती मान तो सच्ची। लेकिन इस सच के पीछे और जो सच छुपे हुए हैं उन्हें भी तो अदालत के सामने आने दो। नहीं मनीष अच्छा ही हुआ है रकाल अब जिंदा नहीं है। मैं भी इस भयानक सच को छुपाए हुए इस दुनिया से चली जाऊंगी तो मेरी शर्मनाक जिंदगी की याद दिलाकर मेरी बच्ची को परेशान करने वाला इस दुनिया में कोई बाकी ना रह जाएगा। फिर मेरी बेटी सुखी हो सकेगी शांति से रह सकेगी। तुम ये चाहती हो कि मैं इस एहसास को लेकर जिंदा रहूं कि तुम्हें बचाने की कोशिश ना कर सका। अपना बयान वापस ले लो और कहो कि तुम बेगुनाह हो। जब तक तुम ये नहीं कहोगे मुझे लड़ने का मौका नहीं मिलेगा और मैं जिंदगी भर अपने आप को कोसता रहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। देवयानी मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं चाहा आज भीख मांगता हूं मुझे कोशिश कर लेने दो। अच्छा तो फिर जैसे तुम कहोगे वैसे ही करूंगी। देवयानी लेकिन एक बात मैं तुमसे कहूंगी मनीष। क्या? सुपर्णा और इंद्रनील को कभी अदालत में आने ना देना। उन्हें देखकर मैं बेहाल हो जाऊंगी अपने आप पर काबू ना रख सकूंगी। मैं सब समझता हूं देवयानी लेकिन ये कैसे मुमकिन है वो दोनों मेरे साथ। नहीं मनीष अगर उन दोनों की समझ में कुछ आ गया अगर उन दोनों ने मुझे किसी तरह से पहचान लिया तो मेरी सारी जिंदगी की मेहनत बेकार जाएगी। आज तक मैंने अपने साये से उसको बचा के रखा है तो फिर जिंदगी की इतनी बड़ी हेठी और बेइज्जती सुपर्णा कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। सुनो मैंने किसी तरह उन्हें मेरे सामने ना आने देना। ये तो वादा तुम्हें मुझसे करना ही होगा। अच्छी बात है देवयानी। ओ ये ओ ये ओ ये ऑल द पर्सन्स दैट हैव एनीथिंग टू डू विद माय लॉर्ड जस्टिस इज आईन ओवर टू दीस क्रिमिनलाइजेशन ड्रॉ नियर एंड गिव योर अटेंडेंस। नहीं नील किसी तरह ये बात मेरी समझ में नहीं आती। कौन सी बात? काकू ने इस केस के लिए मिस्टर गोस्वामी को जूनियर क्यों लिया मुझे और तुम्हें क्यों ना लिया? सुपर्णा हो सकता है शुरू शुरू में ऐसे बुरे केस के लिए वो तुम्हें ना लेना चाहते हो। मुझे ना लेते तो तुम्हें ले लेते। शायद एज ए जूनियर उन्हें मेरा काम पसंद ना हो। मजाक मत करो जानते हो इस केस के सिवा और कोई केस नहीं ले रहे हैं। वो तो ठीक है सुपर्णा मगर आनंदगढ़ इंडस्ट्रीज के हवन केस के लिए चौधरी और चटर्जी ने कितनी खुशामदी की रोजाना 3,500 रुपए देने के लिए तैयार थे नहीं लिया। आजकल काकू अच्छी तरह खाते नहीं पीते नहीं सोते नहीं। घबराओ नहीं सुपर्णा सब ठीक हो जाएगा। साहब
बड़े साहब आ गए। ननिल। यस सर। गिरेन घोष वर्सेस स्टेट, कल इस केस की हियरिंग है प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। तुम सुपर्णा को साथ ले जाना, इस केस को अटेंड करना, मुझे और काम है। मिस्टर राय, मैं ये काम कर सकूंगा। तुम ये करो, क्रॉस एग्जामिनेशन मत करना, केस को सीधे सेशंस में आ जाने देना, फिर मैं निपट लूंगा। सुपर्णा, दो कप चाय भिजवा देना। हाँ तो मिस्टर गोस्वामी, अगर गवाहों के लिए तैयार हो गई हो तो बैठ जाइए मेरे साथ। कि राखाल बाबू गेट के बाहर खड़े रहते थे और तुम उन्हें रुपए लाकर देते थे। जी हाँ। यानी राखाल अंदर नहीं जा सकता था, न मुंद्री माँ से मिल पाता था। जी हाँ। जी नहीं नहीं। तो क्या धर्म कर्म का रास्ता दिखाने या बताने के लिए राखाल अपने साथ लाउड स्पीकर लाता था ताकि वो मुंद्री माँ को सड़क उपदेश दे सके? जवाब दो दरबान। जी वो राखाल बाबू ऐसा कहते। अच्छा अच्छा, राखाल बाबू ऐसा कहते थे, यानी तुमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना? जी नहीं। तो तुम्हारा ये बयान कि मुलजिमा राखाल बाबू की बात नहीं मानती थी, तुम्हारी अपनी मनगढ़ंत बात है? जी हाँ। जी नहीं नहीं, वो सन्यासा। दरबान, क्या अब मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि इस तरह झूठी गवाही देकर नमक हरामी करने पर तुम्हें किसने आमादा किया? ऑब्जेक्शन योर लॉर्डशिप, आई एम अफ्रेड ही इज कंफ्यूजिंग द विटनेस। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, प्रोसीड मिस्टर रॉय। थैंक यू मैडम। दरबान, वारदात की रात को तुमने बिला इजाजत राखाल को घर के अंदर क्यों घुसने दिया? मैं भला क्यों घुसने गया था? तो फिर राखाल मुलजिमा के कमरे तक कैसे पहुंच गया? वो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। क्यों, उस वक्त तुम ड्यूटी पर नहीं थे? जी था हुजूर। है? लेकिन शायद शायद उस वक्त तुम्हें झपकी आ गई होगी, या तुम सो गए होगे, या ऊंग रहे होगे। जी हुजूर, ये हो सकता। नहीं दरबान, तुम झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो। मुलजिमा के मना करने के बावजूद तुमने खुद राखाल के लिए गेट खोला और इस नमक हरामी के लिए तुमने उससे 40 रुपए लिए। 40 रुपए? झूठ है सरकार, ये बिल्कुल झूठ है। ये सच है दरबान। मरने से पहले राखाल ने लिखा है कि उसने तुम्हें 40 रुपए दिए। उसने झूठ लिखा है, उसने तो सिर्फ 10 रुपए दिए थे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर योर लॉर्डशिप, राखाल की यह डायरी बतौर एग्जिबिट के दाखिल की जाए। मिस्टर सन्याल, मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि दरबार ने रुपए लेकर गेट खोला, कि राखाल की नहीं, मेरी अपनी डायरी। आई एम सॉरी मिस्टर रॉय। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मीना भाई, भला राखाल क्यों उस लड़की को छीनना चाहता था? क्योंकि वो राखाल की लड़की थी। राखाल की लड़की थी, आपको कैसे मालूम? मुझे पन्ना ने बताया था। पन्ना ने बताया था, गोया आपको खुद कुछ नहीं मालूम। यानी अगर ये बात ज्यादा देर के लिए मान भी ली जाए कि आपके मकान में उस लड़की का जन्म हुआ था, तो इससे यह कैसे साबित होता है कि वो लड़की राखाल की थी? वो लड़की तो किसी की भी हो सकती है। ये कैसे मुमकिन है? मीना राय, सवाल का जवाब देना आपका काम है, मेरा नहीं। खैर, जाने दीजिए इस बात को, आगे बढ़ें। इस फरिस्तान की कहानी में आपने कहा है कि राखाल की ब्लैकमेलिंग से डरकर पन्नाबाई अपनी लड़की को लेकर किसी मिशनरी स्कूल में भर्ती कराने के लिए कलकत्ते आई थी, किसी डॉक्टर एब्राहम की सिफारिश लेकर। जी हाँ, मैंने कहा है। अच्छा मीना भाई, अब वो डॉक्टर एब्राहम आजकल कहाँ है? वो तो 10-12 बरस से मर गए। खूब खूब, ये कहानी तो परियों की कहानी से भी दिलचस्प होती जा रही है। जरा गौर फरमाइएगा, जादू के तमाशे की तरह एक तवायफ के कोठे पर एक लड़की का जन्म होता है, इसका कोई सबूत नहीं। वो लड़की राखाल की है, इसका भी कोई सबूत नहीं। जिस डॉक्टर की सिफारिश लेकर उसे किसी मिशनरी स्कूल में भर्ती किया जाता है, वो डॉक्टर बेचारा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, और जिस स्कूल में वो दाखिल होती है वो भी अब मौजूद नहीं। क्यों मौजूद नहीं होगा? जरूर होगा, पन्ना उसे वहीं से दाखिल कराने लाई थी। वहां कहां? नाम तो मैं नहीं जानती। क्या आपने खुद अपने आंखों से उसे भर्ती कराते हुए देखा था? नहीं, लेकिन पन्ना ने जाते वक्त मुझसे कहा था। झूठ, बिल्कुल झूठ।
आपने इस वक्त जो कुछ कहा है वो सब झूठ है। वो सब सच है। मैं फिर कहता हूँ, आप सिखाए पढ़ाए मनगढ़ंत बिल्कुल झूठी बातें दोहरा रही हैं। राखाल ने लखनऊ में पन्नाबाई को कभी नहीं धमकाया। हाँ धमकाया है। राखाल ने लड़की को कभी छीनना नहीं चाहा। जरूर चाहा है। मैं कहता हूँ कि पन्नाबाई की कभी कोई लड़की थी ही नहीं और न है। जरूर थी, जरूर है। कहाँ है पन्नाबाई और राखाल की लड़की, कहाँ है? जिसकी बिना पर मुतवफी की तरफ से कॉन्स्टेंट थ्रेट और प्रोवोकेशन का ढोंग रचा गया है, कहाँ है वो लड़की? ऑब्जेक्शन में लॉर्ड, स्टैंडिंग काउंसिल एक ऐसे पॉइंट पर जोर दे रहे हैं जिसका कोई खास मतलब नहीं। आप बट बच्चे लॉर्डशिप, वी मस्ट आफ्टर ऑल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस मेस। डू यू अंडरस्टैंड मिस्टर रॉय, आपके केस के लिए उस लड़की को पेश करना किस कदर जरूरी है? मिलॉर्ड क्या जरूरत है इस मिलॉर्ड? आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं कौन है वो लड़की, कहां है वो लड़की, क्या नाम है उसका, कहां रहती है, क्या करती है, क्यों उसे इस अदालत में नहीं बुलाया जाता? मिस्टर रॉय, आप उस लड़की को कोर्ट में हाजिर कर सकते हैं? मिलॉर्ड, प्रोसिक्यूशन में स्टार्ट इट्स आर्गुमेंट। यस योर लॉर्डशिप। जेंटलमैन ऑफ द जूरी, मेरा ये केस बिल्कुल साफ और सही वाकयात पर मबनी है। मेरे लर्निड फ्रेंड ने जो ये बात साबित करने की कोशिश की है कि मुलजिमा मकतूल के पंजे से अपनी बच्ची को बचाने के लिए ये कत्ल करने पर मजबूर हो गई, सरासर गलत है, बिल्कुल झूठ है। इट इज शेयर कंकॉक्शन, प्योर फैब्रिकेशन। द स्टोरी ऑफ द गर्ल इज एन एब्सर्ड आई वॉश। अगर मुलजिमा की कोई लड़की है तो कौन है वो लड़की, कहां है वो लड़की, अब सामने क्यों नहीं आती, इस अदालत में पेश क्यों नहीं हो रही? जा रहे थे? हाँ, कल सुबह हमारे केस का ब्रीफ देखेंगे। उनके दिमाग में तो इस केस के अलावा कुछ आता ही नहीं। क्या बुझाए, मुझे इस बात की तह तक पहुंचना होगा। तुम बिला वजह परेशान होती, कामकाज की लगन ही ऐसी होती है। तुम्हें और मुझे जब किसी कत्ल केस की पैरवी करनी होगी तो हमें भी ठीक इसी तरह मेहनत करनी पड़ेगी। रात बहुत हो गई, तुम घर जाओ, मैं देखती हूँ काकू को कुछ खिला पिला सकती हूँ या नहीं। गुड नाइट डार्लिंग। दस बज गए, खाना कब खाओगे? वक्त नहीं सुपर्णा, कल इस केस के आर्गुमेंट्स हैं, बहुत से पॉइंट्स तैयार करने हैं, इसलिए हम नाराज हो गई। एक काम कर, मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का भेज दे, एक दो चार बिस्किट, एक ग्लास दूध। जा Thank you.
सताई हुई दुखी औरत को सहारा देने के लिए तुमने क्या नहीं किया? जगो जी बाबू, क्या इतनी जल्दी चिंता में चले? जी नहीं, साहब तो रात भर काम करते रहे हैं। रात भर? सुनो तो मुझे, रामचरण ने मुझे जगाया तक नहीं, मैं जल्दी से मुंह हाथ धोता हूं। गुड मॉर्निंग। ओह नील, बताओ मैं क्या करूं? क्या हुआ? कल सारी रात काकू ने कुछ नहीं खाया और जागते रहे। यू डोंट वरी सुपर्णा, आज ही कोर्ट में आर्गुमेंट है, सब झंझट दूर हो जाएगा। तुम क्यों फिक्र करती हो? नहीं नील, उनका हाल ये है कि मुझे डर लगता है, कल आर्गुमेंट करते वक्त बेहोश होकर गिर न पड़े। ऐसे हालत तो मैंने कभी देखी नहीं है उनके। तो बना, अच्छा मेरे लिए चाय तो बना दे। मैं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, तुम भी आ गए। अच्छा बैठो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है नील, दो मिनट में बता दो तुम्हारा केस क्या है और प्रोसिक्यूशन से किन किन पॉइंट पर बहस करना चाहते हो। मैं भी एक बात पूछू तुमसे? हाँ पूछो। इस केस को तुम अपना सारा वक्त क्यों दे रहे हो? ये क्या सवाल हुआ? रुपए के लिए और किस लिए? बहुत सारे रुपए मिलेंगे इस केस में। मुझे टालने की कोशिश मत करो काकू, रुपयों के लिए तुमने अपनी जान और जिस्म को कभी इतना नहीं दबाया। ना खाते हो, ना पीते हो, ना सोते हो, क्या ये तुम्हारा पहला मर्डर केस है जिंदगी में? नहीं सुपर्णा। इतना बुरा और गंदा केस लिया है तुमने, एक औरत ने अपने पति का खून किया है। सुपर्णा, हम वकील बैरिस्टरों का फर्ज है कानून की हिफाजत करना, और कानून कहता है कि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए हर इंसान बेगुनाह है। देखो नन्हे, रुख बदलने की कोशिश मत करो। क्या तुम मुझे ये समझाना चाहते हो कि तुम्हारे ऐसे इतने बड़े बैरिस्टर ने महज एक मर्डर केस के लिए अपना दिन रात का सोना जगना हराम कर लिया? आखिर किस लिए कर रही तुम सब कुछ? सुपर्णा मैं तुमसे कह चुका हूँ, कानूनी दावपेच से अगर तुम ये केस जीत भी गए तो भी इसका इखलाकी पहलू भी तो देखना होगा, क्योंकि एक तवायफ, एक नीच गिरी हुई अबरू बखला। मुझे बोलने दो काकू, मैं साफ साफ कहती हूँ, एक नीच गिरी हुई अबरू बखला औरत ने जानबूझकर अपने पति का खून किया है, समाजी एतबार से, इखलाकी एतबार से। मत कहो सुपर्णा, गिरी हुई औरत अपने पति का खून किया, उसने समाज इखलाक तब किसे क्या बना देता है ये कौन? बिना कुछ जाने किसी को बद इखलाक बद चलन कहने का हमें कोई हक नहीं। मैं पूछता हूँ क्या तुम जानती हो उस औरत को? ना जानती हूँ ना जानना चाहती हूँ। ऐसी बद चलन आवारा औरतों के बारे में कुछ जानने से पहले मेरे दिल में नफरत बनाती है। नफरत? तुम नफरत करती हो उससे? लेकिन मेरे दिल में उसके लिए जरा भी नफरत नहीं। जिंदगी भर बेचारी ने कुर्बानियां की है, दुख उठाया है, धिक्कारी गई है, अफसोस इस बात का है कि आज उसका अपना खून भी उसके खिलाफ है। सुपर्णा कम से कम तुम्हें तो उससे हमदर्दी होनी चाहिए, औरत के नाते, इंसानियत के नाते। क्या वो ये उम्मीद भी तुमसे नहीं कर सकती? क्यों कैसे? वो चौक की पुतरिया, वो तवायफ देवयानी कैसे हमसे हमदर्दी की उम्मीद कर सकती है?
ठाकुर, क्यों क्यों तुम उसके लिए अपनी जान को हलकान किए दे रहे हो? सुपर्णा, मैं मुझे कुछ तो बताओ। सुपर्णा, मैं बचपन से तुम्हें देखती चली आ रही हूँ। तुम हमेशा से मेरे आदर्श रहे, तुमने कभी किसी से बेइंसाफी नहीं की। फिर आज किसके मुंह में फंस कर तुम इतने नीचे गिरते जा रही हो? काकू, क्या हो गया है तुम्हें? सुपर्णा, मुझे कुछ कहने पर थक गया हूं। सुपर्णा, मजबूर हो गया हूं, आज तुम मुझे माफ कर दो। नहीं काकू, मेरा यकीन, मेरा एतबार, मेरा भरोसा तुमसे सिखा हुआ जिंदगी का नजरिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी काकू। आज तुम्हें बताना होगा कौन कौन है वो बाईजी तुम्हारे साथ, हमारे साथ क्या रिश्ता है उसका? कौन है वो बाजारी औरत? बाजारी औरत तवायफ। सुपर्णा, आज वो जो कुछ भी है उसके लिए जिम्मेदार है उसका नीच बच्चलन शौहर राखव। बेहतर यही है कि तुम सब कुछ जान लो, सब कुछ समझ लो, उसके बाद जो वो राखाल से शादी करने पर मजबूर हो गई थी। अपने बाप को कर्जे से बचाने के लिए उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और उस शख्स के लिए अपनी मोहब्बत को भी कुर्बान कर दिया जिसे वो प्यार करती थी और जो अब तक उसे प्यार करता है। दुनिया भर का जुल्म, दुख और जब्र सहकर भी उसने आत्महत्या नहीं की अपनी उस औलाद के खातिर जो उसे अपने हैवान नुमा शोर से मिली थी। अपने उस औलाद की जिंदगी के लिए उसने अपनी जिंदगी को चौक की भट्टी में झोंक दिया, अपने आप को अपनी औलाद से अलग कर लिया ताकि अपनी बदनसीबी का सार्थक उस पर न पड़ सके और वो इज्जत की जिंदगी बसर कर सके। लेकिन वो शैतान, यहां तक कि वो थक गई, तंग आ गई, बेबस हो गई। जब राखाल ने देखा उसकी आमदनी का जरिया खत्म हो गया, उसने उसकी औलाद की खुशियों का गला घोट देना चाहा और उसकी आने वाली जिंदगी को तबाह कर देने पर तुल गया। एक मासूम बच्ची के मुस्तकबिल को बर्बाद करना चाहा। ऐसे मौके पर वो लाचार औरत और कहीं कह सकती थी? मजबूर होकर उसने राखाल की जान ले ली, अपनी औलाद के लिए उसने अपने आप को मिटा दिया। सुपर्णा, क्या अब भी तुमसे खूनी खाओगी? तुम जानना चाहती थी ना हमारे साथ उसका क्या रिश्ता है और मैं उसे बचाने के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा हूं? सुपर्णा, देवयानी ने जिस शख्स से प्यार किया था वो मैं, और वो औलाद जिसके खातिर उसने राखाल की जान ले ली वो तुम हो। स्टॉप इट, स्टॉप इट काकू। अब पूछो कि वो गिरी हुई औरत कौन है? अब दिखा मुझे समाज और इखलाक का असली रूप। यंग मैन, आज तुम्हारे भी देखने का दिन आ गया है, इखलाक की नजर से, समाज की नजर से। तुम जो फैसला करना चाहते हो कर लो और छोड़ दो मुझे, मुझे मेरा फर्ज अदा करने दो। प्लीज प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। सुपर्णा, 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 तुमने कुछ नहीं खोया। मैं जो हूं तुम्हारे पास, मेरे होते हुए तुम्हें कभी किसी से शर्मिंदा नहीं होना पड़े। ये नहीं जानता कानून की रूह से उन्हें सजा मिलेगी या नहीं, सिर्फ यही समझ में आता है कोई गुनाह, कोई बेइंसाफी उन्होंने नहीं की। ना रोज परना, आज आंसू बहाने का दिन नहीं। जरा सोचो, जिंदगी भर कोई आराम, कोई सुख चैन उन्हें नहीं मिला, उनकी जिंदगी की कोई भी आरजू पूरी नहीं हुई। सुपर्णा, आज चलो दोनों साथ साथ चलकर सबके सामने खड़े हो जाएं। थैंक यू इंद्र ने, मैं खुद यही चाहता था कि तुम दोनों मेरे दाएं और बाएं खड़े होकर
उस दुखिया माँ की बात बताओ उन सब के सामने। तुम खुद बताओ सुपर्णा, मैं तो अब तक सिर्फ कानून और उसके दाव पेच की बात कहता रहा हूं, लेकिन तुम कह सकोगी अपने दिल की बात। एक माँ के दुख और दर्द की कहानी उसके अपने जख्मों की जबानी। कहना जेंटलमैन ऑफ द जूरी, भूल जाइए उस रात के खून की कहानी और मुझसे सुनिए उस बदनसीब माँ की कहानी जिसकी हर उम्मीद और हर आरजू का खून जिंदगी के हर मोड़ पर बहता रहा। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेती हूं कि मुलजिमाने गोली चलाई, लेकिन क्यों चलाई? मुलजिमा की जिंदगी की पूरी कहानी मैं आपके सामने रख चुकी हूं। क्या उससे यह साबित नहीं होता कि मुलजिमा की पूरी जिंदगी धमकियों के साए में गुजरी है और जो कुछ उसने किया है अंडर द स्ट्रेस ऑफ ग्रेट प्रोवोकेशन, एक्सट्रीम एंड कंटिन्यूअस प्रोवोकेशन किया है? छुरी, अब मैं अपनी बहस के आखिरी नुक्ते पर आ पहुंची हूं। इस मौके पर क्या कहूं आपसे, आपके घरों में भी मां बहने हैं, वो आपके घरों की इज्जत और आबरू है, तो फिर जरा सोचिए उस औरत के बारे में जिसकी इज्जत और आबरू खुद उसके पति मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हो गए। क्या उस औरत के पास अपने आप को बचाने के लिए, अपने होने वाली औलाद को बचाने के लिए घर छोड़ने के सिवा और कोई चारा था? कोई भी फैसला करने से पहले अपने दिल की गहराइयों से सोचिए। प्रोसिक्यूशन ने नाहक और दिलावजे मुलजिमा को एक बाजारी औरत के रूप में पेश करने की कोशिश की है, लेकिन मेरी जुबानी जो कहानी आपने सुनी है वो हर कदम पर इस तगासा की कहानी को झुटलाती है। वो कहानी साबित करती है कि ये औरत कोई गिरी हुई बाजारी औरत नहीं है, ये औरत एक मां है जिसने अपनी जिंदगी को जहन्नुम की भट्टी में झुलस कर अपनी औलाद के लिए उम्मीद का चिराग रोशन किया है। ममता की इतनी मुकद्दस मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है, इसलिए आज मैं इस औरत को एक बाजारी औरत के रूप में नहीं बल्कि दुनिया भर की मां के आदर्श के रूप में आपके सामने पेश करती हूं। अपनी औलाद की बहबूदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, यहां तक कि मां होने की माया तक को अपनी बच्ची के लिए कुर्बान कर देना, अगर कोई गुनाह है तो फिर ममता गुनाह है, मोहब्बत गुनाह है और खुद औरत होना गुनाह है। जेंटलमैन अपनी छुरी, प्रोसिक्यूशन की तरफ से बार बार कहा गया है वो लड़की कौन है, वो लड़की कौन है? मैं आपको बताती हूं कि वो लड़की कौन है। आज मुलजिमा की वो लड़की अपनी तमाम जिम्मेदारियों को फक्र के साथ कबूल करना चाहती है। वो लड़की जो मुलजिमा को मां कहकर पुकारने का अधिकार चाहती है, जो अपनी मां को दुनिया की तमाम मां के आदर्श समझकर उसकी पूजा करना चाहती है, वो लड़की जिसके बेहतरी और भलाई की खातिर ये कटहरे में खड़ी हुई और आज भी अपने आप को उससे छुपाए हुए है, वो लड़की मैं, हां मैं
सुपर्णा राय भरी अदालत में आप सबके सामने बड़े फकर और गुरुज से हमें माँ की बेटी होना स्वीकार कर जेठमनत की चुरी। अब मुझे और कुछ नहीं कहना है। आज मैं समझ लूंगी मेरा कभी कोई बाप नहीं था, लेकिन मेरी माँ तो मौजूद है। इसलिए एक यतीम लड़की कि आपसे बड़ी आजीजी से दरख्वास्त करती है कि मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने अदालत के कटहरे में खड़ी हुई मजबूर और बेकस माँ को मुझसे मुद्दतों की बिछड़ी हुई मेरी माँ को मुझे लौटा दिया जाए। मैं आपसे अपनी माँ की जिंदगी और रिहाई का हक मांगती हूँ। मुझे मेरी माँ दे दो। मेरी माँ मुझे काकू देजानी। कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ? तुम किसी डॉक्टर को बुला लो जल्दी। किस तरह देवयानी मर गई मां, उसी तरह पन्नाबाई भी मर जाएगी, लेकिन मेरी सुपर्णा सरुजा की जिंदा रहेगी, यही मेरी ख्वाहिश है।